एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में वर्ग 11 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.4 प्रश्न संख्या 7 पर बात करते हैं। देखिए प्रश्न है, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, ने 17 टोटल खिलाड़ी हैं जिसमें से केवल 5 खिलाड़ी जो है गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? एक क्रिकेट का टीम बनाना है जिसमें 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, इसमें कुछ शर्त हैं। देखिए शर्त क्या है, यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं, टीम में आपको 4 गेंदबाज रखना अनिवार्य है। चलिए कुल खिलाड़ियों की संख्या है 17। देखिए तो चूंकि कुल खिलाड़ियों की संख्या 17, इस 17 खिलाड़ी में से ही 11 खिलाड़ी का चयन करना है जिसमें जिनमें गेंदबाज हैं 5। गेंदबाजों की संख्या 5 है, तो अब जरा आप सोचो कि 17 खिलाड़ी हैं जिसमें से 5 गेंदबाज हैं, तो निश्चित है कि 12 बल्लेबाज हैं। इसलिए बल्लेबाजों की संख्या 17 में से 5 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 5, यानी टोटल 17 खिलाड़ी हैं जिसमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी करते हैं, तो निश्चित है कि 12 जो है बल्लेबाजी करेंगे, तो बल्लेबाजों की संख्या हमने निकाल लिया 12। अब देखिए आपको 11 खिलाड़ियों का एक टीम बनाना है, इनसे 11 खिलाड़ियों का एक क्रिकेट टीम इस प्रकार बनाना है कि टीम में 4 गेंदबाज हो। देखिए इनसे 11 खिलाड़ियों का एक क्रिकेट टीम इस प्रकार बनाना है कि टीम में 4 गेंदबाज हैं, 4 गेंदबाज हों, ऐसा ही आपको टीम बनाना है। देखिए करना क्या है कि आपको 11 खिलाड़ी का चयन करना है जिसमें से 4 गेंदबाज को रखना जरूरी है, तो आपके पास टोटल 5 गेंदबाज हैं, उसमें से 4 गेंदबाज का चयन कर लेंगे। उसके बाद 4 का तो चयन हो गया, अब टोटल करना है 11, बचे 7, तो 7 का चयन बल्लेबाज से करेंगे। बल्लेबाज कितने हैं,
12, तो 12 में से 7 चयन कर लेंगे, 11 खिलाड़ियों का चयन हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को एक शब्द में संचय कहा जाता है, मतलब खिलाड़ियों के चयन करने का जो कुल तरीका है उसको एक शब्द में संचय कहेंगे। इसलिए संचय बराबर सबसे पहले आप बल्लेबाज देखिए, क्योंकि बल्लेबाज पर ही शर्त रखा गया है, गेंदबाज भी देख सकते हैं, पहले गेंदबाज देखेंगे तो उसके बाद फिर बल्लेबाज आ जाएंगे। चलिए पहले हम देखते हैं, गेंदबाज को ही ले लेते हैं। तो टोटल गेंदबाज हमारे पास 5 है, जिसमें से 4 को रखना जरूरी है, हो जाएगा 5C4 गुणे गेंदबाज तो हो गया। अब चयन करना है बल्लेबाज का, तो टोटल हमारे पास बल्लेबाज हैं 12, जिनमें से कितना का चयन कर लें कि 11 खिलाड़ी हो जाए, तो 12 में से और 7 का चयन करना होगा क्योंकि 4 का चयन हो चुका है। तो 12C7, 12C7, अब इसी को सॉल्व करना होगा। देखिए कॉम्बिनेशन के नियम से सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 4, फिर इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल 1, चलो उसी तरह से आगे तोड़ा जाएगा, फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 7 गुणे दोनों का अंतर हो जाएगा फैक्टोरियल 5। देखिए इस 5 को तोड़ेंगे 4 के नजदीक, तो 5 गुणे फैक्टोरियल 4, बटा में 4 है कट जाएगा। उसके बाद इस 12 को तोड़ेंगे 7 के नजदीक, क्योंकि 12 के करीब 7 है, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 7 ज्यों का त्यों कट जाएगी 7 से। अब इस 5 को तोड़ देंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब अपने लेवल से इसको कटा लेना है, फैक्टोरियल 4 यहां से कट जाएगा, फैक्टोरियल 7 कट जाएगी, यहां से फैक्टोरियल 5 भी कट जाएगा, इस 4 से कटा लेंगे चढ़ती आई 12, देखिए ये 3 3 भी कट जाएगी। उसके बाद ये 2 से इस 4 8 को कटा दिया 4 बार में, बचा हुआ अंक है आपके पास 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 4, इसी को गुणा कर आपका लीजिए। हुआ 3960 राइट आंसर। चलिए इसी प्रश्न के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे।